नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके टेक्निकल हब 85 में। आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए वही चैप्टर, कौन सा? लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या होता है लुब्रिकेशन सिस्टम? तो हमें पता है जो इंजन की घिसावट को दूर करे, घर्षण को कम करे, ऊष्मा को कम करे, उसे अपने लुब्रिकेशन सिस्टम कह देते हैं। तो हमने इसके बहुत सी चीजें पढ़ी है और आज हमारे पास टॉपिक आता है संयंत्र की प्रणाली, मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम के क्या क्या प्रणालियां। सबसे पहले आदर्श संप व्यवस्था। आदर्श संप व्यवस्था कल मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करके गया, आज अब इसे थोड़ा सा विस्तृत पढ़े। तो आदर्श संप व्यवस्था में क्या होता है कि जो संप होता है, संप कौन सा होता है? हमारे इंजन का नीचे वाला भाग, इस भाग को अपने बोलते हैं संप या ऑयल पैन, अपने यहां भाग इसको बोल देते हैं संप। संप में जो होता है ये हमेशा क्या रहेगा, आदर रहेगा। तो आद्रता के कारण हम तीन चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले सप्लेस प्रणाली। सप्लेस प्रणाली में हम लगा देते हैं यहां हमारी क्रैंकशाफ्ट, क्या लगा देते हैं? क्रैंकशाफ्ट। और क्रैंकशाफ्ट को मैंने ये कनेक्ट कर दिया। डायग्राम अच्छे नहीं बनाऊंगा, ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा, टाइम लगेगा। तो यहां जो ये यहां तक क्या होता है, इसमें ऑयल भरा होता है। क्या भरा होता है जी? इसमें ऑयल भर रहा होगा गुरु जी, सही है। तो इस ऑयल को अब ऊपर कहां भेजना है? अपने इस इंजन वाले भाग में भेजना है। कहां भेजना है? या चल रहे इस पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, सभी भागों में हमें इसको भेजना है। भेजने के लिए एक तो इसके जो क्रैंक वेव है, क्या है? क्रैंक वेव, या जिसे बोलते हैं क्रैंक वेव। और ये वाला भाग है यहां लगा देते हैं इस तरह का एक डिपर, या एक चप्पू सा लगा देते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे डूब करके चलेगा ये ऑयल को लेकर के अपने साथ चलेगा। तो यहां तक सभी भागों में ये छींटे लगा देगा। लगा दिए छींटे, संभव है ऐसा कि जैसे मैं साथ वैसे करता हूं, जैसे उठाऊंगा तो किसी चीज को उठा करके छिटक दूंगा। ये छिटे क्या करेंगे, इंजन के सभी भागों पर पहुंच जाएंगे। पहुंच गए, अब यहां से तो ये खिसकता हुआ वापस ऑयल कहां आ गया? मेरे पेन में आ गया। इस भागों पर लगा हुआ ऑयल में क्या करेंगे, पिस्टन के ऊपर लगे हुए रिंग है वो इसको यहां से स्क्रैप करके वापस मेरे संप में डाल देंगे। परंतु यह विधि है वह सिर्फ छोटे इंजनों के लिए लागू होती है, बड़ों पर नहीं होती, सिर्फ छोटे इंजनों तक इसे सीमित रखा जाता है। तो ये होता है हमारा सप्लेस प्रणाली। आगे हम देखते हैं अर्धदाब। कौन सी? अर्धदाब प्रेशर सिस्टम। अर्धदाब में हम वही संप में बार बार बनाना पड़ेगा। यहां क्या करेंगे, हम एक ऑयल पंप लगा लेते हैं। क्या लगा दिए जी? आ रहे गुरु जी, एक लगा दियो ऑयल पंप, इन्हें चला दियो कैमशाफ्ट को। यहां से ले लिया अपने ऑयल गैलरी, ऑयल गैलरी पिन को गई, पिन से होती हुई ऊपर वाले भाग तक चली गई, ऊपर सॉरी नहीं जाएगी, हाँ ऊपर तक चलेगी। अब यहां जो हमने क्रैंकशाफ्ट लगाई थी, इस क्रैंकशाफ्ट के साथ ये ऑयल डिपर है वो भी लगा रहेगा। इसमें क्या होगा कि जो ये पंप है ये छोटे कम दाब वाला होता है, मतलब कि एक बार दाब तक के लिए। बार क्या है? दाब की यूनिट होती है। एक बार दाब के लिए हम इसको इस्तेमाल में लेंगे। तो ये क्या करेगा, यहां से ऊपर ऑयल को ऊपर वाले भागों तक पहुंचा देगा। कौन सा? ये पंप। नीचे वाले जो भाग यहां के बचे, उनमें जो ये सप्लेस वाला हमारा सिस्टम था ना, ये सिस्टम छीटेदार पद्धति से इन भागों का लुब्रिकेशन कर देगा। तो ये हो गया हमारा अर्धदाब। अब मैं पढ़ता हूं पूर्ण दाब। पूर्ण दाब मैं इसी को बना देता हूं। अगर मैं ये हटा दूं और यहां मैं लिख दूं 1.5 बार से 4 बार वाला, मैंने क्या लगा दिया? ऑयल पंप लगा दिया। अब ये क्या करेगा, ये सभी भागों तक क्या करता है, लुब्रिकेंट ऑयल पहुंचा सकता है, क्योंकि इसका दबाव क्या है, अधिक है। तो ये हमारे पास तीन प्रणालियां थी। पहली थी सप्लेस प्रणाली, छिटेदार होगी। दूसरी अर्धदाब। अर्धदाब में क्या करो कुछ, एक छिटेदार पद्धति लगा दी और एक अपा लगा दिया इसे पंप पड़ी। और पूर्ण दाब में सिर्फ और सिर्फ एक उच्च दाब पंप का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रणालियां। आगे देखते हैं जी, यहां तक मैं इसको मिटा देता हूं। आगे आते हैं ड्राई संप। तो ड्राई संप में क्या होता है कि मैंने कल भी बताया था, ड्राई संप का प्रयोग एरोप्लेन में किया जाता है। एरोप्लेन में, अब एरोप्लेन में क्यों करी जाए गुरु जी? अब आपको पता होगा एरोप्लेन ऐसा तो नहीं सीधा ही चलता है, वो हवा में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे रोटेशन भी कर लेता है। तो अगर हमारे वाला सिस्टम हो तो वो ऑयल पता नहीं कहां जाएगा। इसलिए इसमें क्या होते हैं, दो कंटेनर, क्या दो कंटेनर बनाए जाते हैं और दो ही
पंप पर लगाए जाते हैं। यहां मैंने बना लिया इसको, यहां एक लगा दिया पंप और एक मेरा ये बंद डिब्बा हो गया। क्या हो गया? एक बंद डिब्बा हो गया। यहां से पंप ने तेल उठाया और यहां आके एक मैंने एक पंप फिर लगा दिया। ये क्या है? मेरा पंप। अब यहां से पंप के द्वारा दबाव से यहां पहुंचा, यहां से पंप करेगा ये सभी भागों का सीधा लुब्रिकेशन करेगा। इस तरह से लुब्रिकेशन करता हुआ डायरेक्ट इसमें आके गिर जाएगा। तो इस सिस्टम में क्या होता है, ड्राई इसलिए लिखते हैं, इसमें कहीं तेल छटकता नहीं, सिर्फ तेल पंप से पंप को कंटेनर से कंटेनर को होता हुआ सभी भागों का लुब्रिकेशन करता हुआ वापिस अपने कंटेनर में भर जाता है और यह विधि चलती रहती है। अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो मान लेते हैं मेरा एरोप्लेन, ये लो जी ये मेरा एक एरोप्लेन उड़ रहा है, तो अचानक से इसने दिशा बदल दी, घूम गया, तो अब क्या होगा, ये मेरा ऑयल वाला हिस्सा ऊपर चला गया, तो ऑयल कहां चला जाएगा, सिलेंडर हेड में चलने जाएगा और इंजन हमारा बंद हो जाएगा और जल्दी हमारा जो ऑयल स्पैन है या जो कंटेनर बना रखा है वो खाली हो जाएगा। इसलिए आपने इसको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं जी। आगे मैंने आपको पढ़ाया था एक पेट्रोलिया, कौन सी पेट्रोलिया मिस्ट, और पेट्रोलिया मिस्ट का मैंने आपको बताया था इसका उपयोग टू स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है। किसमें जी? टू स्ट्रोक। और टू स्ट्रोक में क्यों करते हैं जी? इसमें क्या होता है, पेट्रोल प्लस लुब्रिकेंट ऑयल साथ में डाला जाता है। आपने देखा होगा ज्यादातर टू स्ट्रोक कौन सी है, स्कूटी, कौन सी, पैंथर वाली, या बजाज का स्कूटर है जो, या बॉक्सर का एक आता था, या यामा का आता था, या सुजुकी मोटरसाइकिल था एक, इसे कुछ साधन थे, या राजदूत था एक, ये कुछ मोटरसाइकिल थे जो टू स्ट्रोक थे। इनमें आपने कभी देखा होगा पेट्रोल पंप पर गए, एक लीटर तेल डलवाया और इसके साथ 50 ml क्या डलवा लिया जी, ऑयल डाल लिया। अब वो ऑयल काम कैसे करता था, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। ऑयल काम कैसे करेगा, ये देखो हमने ये बनाया एक इंजन। क्या बना लिया? इंजन। यहां मैंने बना दिए पोर्ट, ये आ गया पोर्ट, ये आ गया मेरा ट्रांसफर पोर्ट, ये आ गया इनलेट, और ये आ गया मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट, ये आ गया मेरा पिस्टन, ये आ गई कनेक्टिंग रॉड, और ये आ गई मेरी क्रैंकशाफ्ट। हमें पता है टू स्ट्रोक इंजन पूरे के जो क्रैंक केस होता है पूरा एयर टाइट बनाया जाता है। एयर टाइट नहीं होगा तो सक्शन नहीं करेगा, सक्शन नहीं करेगा तो चार्ज इसमें आएगा नहीं। तो यहां क्या हुआ, जैसे ही इनलेट से मेरा पेट्रोल प्लस लुब्रिकेट उसके साथ मिला हुआ था अंदर आया, तो कार्बोरेटर से क्या हुआ, छोटे छोटे कणों में बढ़ गया। कणों में बढ़ते ही वो क्या हुआ, कहां आ गया, इनलेट में, या सॉरी ये ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट आमने सामने, इनलेट पोर्ट नीचे होता है, ये सॉरी गलत हो गया, इधर से आएगा ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट आमने सामने होते हैं, कौन सा, ट्रांसफर पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ये इनलेट पोर्ट। हमेशा याद रखना ट्रांसफर पोर्ट प्लस एग्जॉस्ट पोर्ट आमने सामने होते हैं, इसलिए तो चार्ज बाहर जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जैसे चार्ज इसके अंदर आया तो अब इसमें क्या थे, भारी कण किसके थे, ऑयल के। अब ऑयल के जो भारी कण थे इसमें जहां भी भाग मिलेंगे सभी भागों से चिपक जाएंगे, चिपक जाने से इसका लुब्रिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज्यादा हाई स्पीड गाड़ियां नहीं बनी थी टू स्ट्रोक में, तो इसलिए यहां तक ये पद्धति लागू होती है, आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा, यहां तक हो गया ड्राई सम्प हो गया पेट्रोल हो गया, अब पढ़ते हैं संयंत्र प्रणाली के अवयव, कि जो हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम था कौन सा, लुब्रिकेशन सिस्टम था, उसके क्या क्या अवयव, क्या क्या उसके भाग थे, एलिमेंट क्या क्या थे। तो सबसे पहले आता ऑयल सम्प। अब हमें पता है हम यहां से लेकर के यहां एक इंजन बनाते हैं, या सिलेंडर ब्लॉक हो गया या नीचे आए ये क्रैंक केस हो गया, यहां से नीचे से बंद करने के लिए हम एक लगाते हैं ऑयल सम्प, ऑयल सम्प, या किसका बना होता है, प्रेस स्टील का, प्रेस स्टील या एल्यूमिनियम की
चादर का बनाया जाता है। इसके नीचे के भाग पर एक ड्रेन प्लग लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? ड्रेन प्लग। जो कब आगाम आता है? जब ऑयल को हमें बदलना होता है उस टाइम इसको खोला जाता है और पूरा का पूरा ऑयल नीचे आ जाता है। इसी में ही ऑयल पंप लगाया जाता है, इसी में ऑयल फिल्टर लगाया जाता है, इसी में ही जाली लगाई जाती है। ऑयल फिल्टर को कोई जरूरी नहीं इसमें लगाना, पर स्टैंडर्ड होती है, जाली होती है, उसी में लगती है। ऑयल फिल्टर को अपने बाहर भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये होता हमारा ऑयल सब। फिर आता है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या होती है? इस तरह की एक जाली होती है। क्या होती है जी? जाली। जाली सारे समझते हैं। और जाली का काम क्या होता है? कैसे चीज को छानना, क्या छानना, या किसको छानेंगे? अपने ऑयल को छानेंगे। ऑयल को छानेंगे तो कैसे छानेंगे जी? इस जाली में आया हुआ ये लो जी, यहां से ये सीधा किसको चलेगी? ये चलेगी ऑयल पंप को। ये चलेगी ऑयल पंप को। ऑयल पंप से सीधा जाएगा गैलरी। ये जाली यहां डूबी रहती है जाली में, क्योंकि हमें पता है जब इंजन चलता है उसके भागों में घिसावट होती है और वही घिसावट का कचरा हमारे इंजन के भागों में वापस नहीं जाए, इसलिए हम जाली का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां जाली का काम क्या हुआ? यहां क्या होता है? 1 से 2 mm के छोटे छोटे, इस तरह से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्रों में से कचरा साफ होकर के बाहर निकल जाता है और साफ ऑयल आपका ऑयल पंप उठा लेता है। ऑयल पंप अपने इसको पंप करने के बाद ऑयल गैलरी को भेज देता है। फिर आता है फिल्टर। तो फिल्टर यही हम लगा ले, यहां देखो, यहां लगा ले फिल्टर। कि फिल्टर ये आ गया जाली, यहां आ गया फिल्टर। इसके बाद हम इसको फिल्टर यहां लगा देते हैं। इस तरह का ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा एक बाहर की तरफ सिंगल फिल्टर लगा होता है। क्या? सिंगल फिल्टर बड़ा होता है, जिसे कहते हैं ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर नमदा, जाली या कागज का बड़ा हो सकता है। ज्यादातर इसे नमदे से बनाया जाता है। इसमें क्या होगा? ऑयल आएगा, एक भाग से ऑयल आएगा बीच वाले भाग से, वापस बाहर वाली गैलरी से आएगा, एक भाग से छन करके वापस दूसरे भाग में अंदर चला जाएगा। इसी का काम क्या होगा? फिल्टर का। फिल्टर का काम भी हुआ ऑयल को छानना। फिर आता पंप। पंप का थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपने। आज लेसन ये जितना चैप्टर है कंप्लीट करके जाना, क्योंकि कल हम इसी के चैप्टर का जो हमने कंप्लीट किया लुब्रिकेशन सिस्टम, इसके सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 2016-17-18 में जो भी आए हैं पीछे वाले परीक्षा में, वो सारे हमने सॉल्व करने हैं। तो फिर मेरी बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मेरे को भी एक हौसला मिले कि मेरा चैनल को लोग ज्यादा देखते हैं। और आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि पता चले कि मेरा पढ़ाने का रवैया कैसा है। कुछ गलती है तो मुझे को कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएं। चलो चलते हैं। आगे आता है ऑयल पंप। क्या? ऑयल पंप। ऑयल पंप हमें पता है कोई भी पंप होता है, पंप का काम क्या करना होता है? किसी चीज को आगे भेजना। घर में हवा भरने वाला पंप होता है, क्या काम करता है जी? ऊपर खींचते हवा लेते हैं, नीचे दबाते हैं, वापस हवा किसी चीज में भेज देते हैं। इसी तरह घर में हैंड पंप है, नलका जिसे कहते हैं। तो नलका क्या करता है? ऐसे जैसे नीचे दबाया तो उसने सक्शन किया, उसके साथ लगी हुई कोई चीज ने सक्शन किया, ऊपर की ओर खींचा, नीचे का वाल्व जो लंबा सा एक वाल्व होता है वो ऊपर आता है, पानी ऊपर आ गया, जैसे हमने दबा दिया वो वाल्व दब गया, पानी हमारा बाहर आ गया। ये सारे के सारे पंप का काम होता है एक दाब बनाना। क्या? प्रेशर बनाना। PRESUR, प्रेशर या दाब बनाना। और ऑयल पंप का दाब हमें पता है 1 bar से 8 bar। 8 bar वाला हम एरोप्लेन में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो अगर हमें पूछे तो 1.5 bar to 4 bar तक ऑयल पंप का बार दाब होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑयल पंप आता है। यहां मैं ऑयल पंप के प्रकार लिख लेता हूं आपके लिए। नंबर 1 वेल टाइप, नंबर 2 प्लंजर टाइप, नंबर 3 गियर टाइप और नंबर 4 रोटर टाइप। चार प्रकार के पंप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यहां इसको चलाने के लिए एक वेन लगी होती है। क्या होती है जी? एक वेन। इन वेन के बाहरी सिरों पर बॉल लगी होती है और इस भाग में स्प्रिंग लगा होता है। ये आ गया आउट, ये आ गया इन। अब बात देखो, जैसे ये वेन घूमती है, वेन किससे घूमेगी? कैमशाफ्ट या क्रैंकशाफ्ट से, किसी के द्वारा इसे रोटेशन दिया जाता है। जब हम इसको घुमाएंगे ये असेंट्रिक होती है। असेंट्रिक
और असेंट्रिक को अपने अपनी भाषा में कहते हैं उत्केंद्रीय, जो अपने केंद्र से कुछ हटी हो, मतलब कि इसका एक हिस्सा छोटा और एक बड़ा होता है। यहां से थोड़ा सा छोटा कर ले इसको, ये लो जी, ये क्या कर लिया, छोटा कर लिया, मतलब कि एक हिस्सा छोटा, मतलब कि अपने अक्ष के सेंटर में नहीं होती। सीधी साधी बात यह है, जो ये केम बीच वाला वेन लगी है ये पूरी सेंटर में नहीं होती, अपने सेंटर से कुछ हटी हुई होती है। तो जब कोई सेंटर से, ये मान लेते हैं सर्कुलर बनाया, अगर ये सेंटर ढूंढता और यहां कोई चीज लगाता तो पूरे सर्कुलर में एक समान चक्कर काटती। अगर यहां मैं एक कोई ऐसी चीज लगाऊं जो स्प्रिंग लोडेड हो और यहां लगा दूं, यहां मैं लगाया, यहां स्प्रिंग से दबी हुई थी, जैसे जैसे यहां से फैलेगी तो स्प्रिंग यहां फैल जाएगा, तो यहां क्या हुआ, इसका एरिया कुछ इतने एरिए में बढ़ गया। यही प्रक्रिया यहां होगी, जैसे ये घूमेगा, यहां से ऑयल आया, यहां क्या एरिया बढ़ा हुआ था, यहां से एरिया बढ़े हुए से इसने ऑयल लिया, यहां जाकर के एरिया इसका कॉन्स्टेंट हो गया, घट गया। घटते ही क्या होगा, ऑयल मेरे पास ज्यादा था, एरिया घट गया, कहां जाए, बाहर तो जाएगा नहीं, इसलिए ऑयल यहां से आउट हो जाएगा, और बाद में फिर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। थोड़ा सा आप इसको किताब में देखना, आपके समझ में आ जाएगा। एक बार और देखें कि जैसे मैंने इसको बताया था, आपकी कोई चीज सेंटर में होती है तो हर चीज बिल्कुल बराबर घूमती है। मान लेता हूं मैं इसका सेंटर में लेकर के उत्केंद्रित कर देता हूं बिना सेंटर के, तो हमें पता है सेंटर से यहां तक की दूरी तो इतनी है और यहां से दूरी ले यहां जाना है। जब ऐसी कोई चीज जो इसको पूरी स्पर्शीय हो, तो जहां क्षेत्र बढ़ेगा वहां से जो चीज लेगी वो ज्यादा आएगी। अब देखो यहां पर कितना एरिया ये आया, अगर यहां से कोई ये चीज लेकर के यहां आती है तो ये इतनी चीज इसमें समाएगी नहीं आएगी, तो इसलिए इस चीज को यहां बाहर के पास कर देते हैं। तो आगे वाला पंप देखिए, प्लंजर टैंक, प्लंजर टाइप पंप में आप देखो इनलेट वाला, एग्जास्ट वाला या आउटलेट, इसको ध्यान से देखना कि ये हमारा एक पंप है। यहां वाल्व की स्थिति देखनी है। सबसे पहले देखो, मैंने यहां एक डंडा लगाया, ये एक स्प्रिंग लगा दिया, बोर को मैंने यहां लगाया, कहां लगा दिया, यहां को, और ये जैसे स्प्रिंग का दबाव पड़ेगा इसके साथ चिपकी रहेगी। इधर ध्यान से देखना, यहां मैंने बोर बढ़ाया, यहां जैसे स्प्रिंग का दबाव लगेगा यहां चिपकी रहेगी। अब देखो इसका क्रिया विधि, ये भाग रहेगा इन वाला, यह भाग रहेगा आउट वाला, कौन सा आउट वाला, वीडियो पूरा देखना एंड तक। जैसे प्लंजर चला, हमें पता जब ऊपर कोई चीज उठती है तो किसी चीज को खींचती है, खींचती है ना, जैसे प्लंजर की स्थिति है यहां से यहां तक ऊपर तक, ये ऊपर की ओर प्लंजर चला तो यहां से किसी चीज को खींचेगा, खींचेगा तो इसमें खींचा आएगा तो ये बोल क्या करेगी, इसके साथ चिपक जाएगी, तो यहां से तो कुछ आएगा नहीं, बाहर गया वो वापस आएगा, और यहां दबाव पड़ेगा कि बॉल खींच जाएगी, कहां अंदर की तरफ स्प्रिंग के विरुद्ध, तो यहां बाहर हमारे क्या भरा हुआ है, बाहर हमारा इसमें सब में ऑयल भरा हुआ है, इसने ऑयल खींचा और इसमें भर गया, इसमें भर गया इस केसिंग में, इसमें केसिंग में, केसिंग में भर गया। अब जैसे ही प्लंजर ऊपर से नीचे की स्थिति में आएगा, ऊपर से नीचे की ओर जैसे मूविंग करेगा, तो ऑयल मेरे पास कहां आया हुआ था मेरे भाई, यहां तक मान लेते, यहां ऑयल भरा हुआ था। अब जैसे ही प्लंजर नीचे की ओर इसको दबाएगा तो वापस वही दबाव पड़ेगा, ऊपर से कोई चीज को दबाएंगे तो दोनों तरफ दबाव तो समान रहेगा, तो दबाव समान रहेगा तो पहले इस बॉल की तरफ देखें, इस पे दबाव लगाएं तो यह इसके साथ जाके रुक जाएगी, यहां रुक जाएगी, ऑयल को बाहर नहीं जाने देगी, इस पे देखें, इस पे दबाव लगाएगा, बॉल यहां से खिसक करके यहां आ जाएगी, तो ऑयल क्या होगा मेरा आउटलेट में चला जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी कोई कठिन नहीं है। चलो आगे वाला चले, ये हो गया हमारा प्लंजर टैंक, आगे देखते हैं गियर टैंक। अब
हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं गियर टाइप प्लंजर ज्यादा नहीं करेंगे। आउट इन आप किधर से भी कर सकते हो। यहां हम एक को मनाएंगे जो शाफ्ट से चलेगा, तो इसको बढ़ाएंगे ड्राइवर ड्राइवर गियर, और जो चलेगा ड्राइवर गियर से उसे बोलेंगे ड्रीवन। जो इस शाफ्ट से चलेगा वह ड्रीवन। तो ये शाफ्ट किसके साथ चलेगी, हमने पढ़ा था कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट पे कुछ लोग बड़ी होती है, लोग के बीच में गियर बड़ा होता है सेकू गियर। इस सेकू गियर से इसकी शाफ्ट अटैच हो जाएगी और ये किसको घुमाएगा, ऑयल पंप। ऑयल पंप को जिस गियर को घुमाया वह गियर है ड्राइवर, और उस गियर से जो गियर घुमा वह ड्रीवन। अब हमें पता है जब दो समान गियर होते हैं, समान गियर होते हैं तो विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे इस गियर को इस दिशा में घुमाऊंगा तो यह उल्टी में घूमेगा, और दो जब विषम गियर होते हैं मतलब कि सम गियर विपरीत दिशा में, अगर यहां लिखे विषम गियर तो समान दिशा में गति करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग दिशा में, जैसे मान लेता हूं ये मेरा कहां चला, इस तरह से घुमाता हूं, तो ये घूमेगा इस तरह से, क्या घूमेगा इस तरह से। या थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूं, यहां बना लेता हूं नीचे से ही रहेगा आउट, यहां लिख देता हूं इन। जैसे ये गियर घूमेंगे इस तरह से, तो ये दोनों बाहर के जो गियर है इनके ये दांते बाहरी इसकी संपर्क में रहते हैं इस तरह से, ये देखो इस तरह से संपर्क में आपस में, इनमें जहां गियर के दांते आपस में मेश होते हैं वहां इस तरह से बिल्कुल फंस करके चलते हैं। तो जब ये दांते चलेंगे इन करेंगे इन क्या यहां सक्शन होगा, तेज गति से घूमते हैं तो इन दांतों के बीच में क्या होती है, जगह होती है, इन दांतों के बीच में फंस करके ऑयल आ जाएगा यहां, कहां जाएगा यहां, यहां आते ही वापस तो जाएगा नहीं, क्यों दांतों के बीच में कोई जगह नहीं रहती ऑयल जाने के लिए, तो पूरा का पूरा ऑयल दाब के साथ बाहर निकल जाएगा, किसमें ऑयल के। तो हमें सीधा सा पता है गियर टाइप पंप में दो गियर होते हैं, एक ड्राइवर गियर होता है एक ड्रीवन गियर होता है। ड्राइवर गियर कैम शाफ्ट से ऑपरेट होता है, ड्रीवर गियर के साथ जो गियर अटैच होता है ड्रीवन गियर कहते हैं। दो समान गियर विषम दिशा में घूमते हैं और दो विषम गियर समान दिशा में घूमते हैं। यहां जब विषम दिशा में घूमते हैं तो इन दांतों के बीच में बैकलेस त्रुटि बिल्कुल नहीं होती, सभी दांते चिपक कर चलते हैं, इसलिए केसिंग के साथ दांतों के मध्य में रहे गैप के मध्य हमारा जो ऑयल होता है वो खिसक करके अगले कंपार्टमेंट में चला जाता है। अगले भाग में जैसे यहां आता है तो ऑयल पर दाब पूर्णतः बढ़ा रहता है और ऑयल को पूर्ण दाब के साथ बाहर एग्जिट कर देता है। तो ये था हमारा गियर टाइप, ये चलते हैं कि गियर टाइप हो गया, आगे बढ़ते हैं रोटर टाइप। रोटर टाइप से कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया, पंप होता है देखने में हमारे गियर टाइप की तरह, परंतु इसमें जो केसिंग होती है इस तरह से होती है, यहां एक रोटर होता है, इसमें एक दो तीन चार और पांच, इसमें पांच लोब बड़ी होती है। इसके अंदर एक रोटर आएगा जिसमें एक दो तीन और चार लोब बड़ी होगी, ज्यादा इसमें कुछ कहानी नहीं है। प्रश्न ये पूछा जाता है ये कौन सा है, आउटर रोटर, और लोब की संख्या कितनी है पांच जी। ये है इनर रोटर, इनर रोटर और लोब कितनी है चार जी। इतना ही प्रश्न ज्यादा पूछेगा, काम गेप की तरह करता है, ये असेंट्रिक होता है, ये ध्यान रखना असेंट्रिक होता है, उत्केंद्रीय होता है, जैसे वेन टाइप काम कर रहा था उसी तरह जहां क्षेत्रफल बढ़ेगा ऑयल ज्यादा आ जाएगा, जहां क्षेत्रफल घटेगा ऑयल को बाहर निकास कर देगा। उसके बाद चलते आगे चलते हैं जी, ये हो गया चारों प्रकार हो गए, चलो आगे चले। सनेन प्रणाली क्या, फिल्टर हो गया, स्ट्रेनर हो गया पंप, हाँ जी। उसके बाद में आता है डीप स्टिक, डीप स्टिक। प्रश्न बहुत बार पूछा है इंजन में ऑयल का स्तर नापने के लिए
किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर आपका होना चाहिए डीप स्टिक। डीप स्टिक एक स्टील की पत्ती होती है जो हर एक इंजन में एक साइड में लगी होती है। इस पे तीन तरह के निशान लगे होते हैं, एक पे एल, मीडियम और हाई। सभी प्रकार के निशान, यहां ऑयल आ जाता है तो कम होता है, ये मीडियम चल सकता है, हाई से ऊपर नहीं जाना चाहिए। डीप स्टिक का काम इतना होता है कि इंजन में ऑयल को स्तर को जांचना। फिर आता है ऑयल गैलरी। क्या आता जी? ऑयल गैलरी। ऑयल गैलरी क्या होती है? इंजन में हमें पता है जब कास्टिंग की जाती है क्रैंक केस, सिलेंडर ब्लॉक या सिलेंडर हेड की, तो सब जगह पे कूलिंग के लिए और लुब्रिकेशन के लिए छोटे छोटे स्थान छोड़े जाते हैं, जिन भागों से होकर के ऑयल हमारा उच्च दाब के साथ जहां संयंत्र की आवश्यकता होती है उन भागों तक पहुंच सके, उन्हीं मार्गों को ऑयल गैलरी बोला जाता है। आगे आता है रिलीफ वाल्व। अभी मैंने ये यहां एक बनाया सम्प, हो गया जी सम्प। सम्प में लगाया जी पंप। पंप ऐसे नहीं लगाएंगे, पंप लगाएंगे बड़ा, सम्प को छोड़ो। ये मैंने लगाया एक पंप, यहां पंप में लगा दिए दो गियर, ठीक है जी। दो गियर पैदा कर रहे हैं एक समान प्रेशर, क्योंकि गियर पास पास में होता, ज्यादा गैप नहीं होता। यहां से इन किया, यहां से आउट होगा, परंतु यहां से आउट होते ही ऑयल ये जाएगा सीधा गैलरी में। किसमें? गैलरी समझते हो ना, छोटे भाग जहां से लुब्रिकेशन संभव हो, गैलरी में जाएगा। तो गैलरी में एक दबाव निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तो अपने बात कर रहे थे ऑयल प्रेशर वाल्व की, कौन सी? ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व। इन वाल्व की चर्चा मैंने आपके सामने की थी जब हम इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व पढ़ रहे थे। मैंने कहा आपके आएगा एक ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व आएगा और एक आएगा थर्मोस्टेट वाल्व। कौन सा? थर्मोस्टेट वाल्व। तो ये वाल्व हम पढ़ेंगे कहां? कूलिंग सिस्टम में। कहां? कूलिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। और ये हमने पढ़ लिया लुब्रिकेशन सिस्टम में। तो यहां देखो, जैसे पंप ने दबाव बनाया, दबाव हमें एक निश्चित होना चाहिए। हमने कहा पंप दबाव रखता है 1.5 से 4 bar दाब। अगर हमें पता है लुब्रिकेशन पतला हो गया, गर्मी पाकर पतला होता है तो दबाव कम हो जाता है, तो हमारा गेज बताएगा कि दबाव कम है। अगर यह गाढ़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है या आगे कचरा आ जाता है गैलरी में, तो दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ने से अब प्रेशर कहीं नहीं जाएगा तो हमारी गैलरी में फटने का भय रहता है। इससे बचने के लिए यहां से एक बाईपास मार्ग बना दिया। क्या बना दिया? एक बाईपास मार्ग बना दिया। इस मार्ग के आगे इस तरह से एक स्प्रिंग लगा दिया और यहां से एक क्या लगा दिया, इस तरह से थोड़ा सा आगे चले, यहां ले आए, यहां एक स्प्रिंग लोडेड नट लगा दिया या स्प्रिंग लोडेड एक बॉल लगा दी, जिसे बॉल टाइप बोलेंगे। तो यहां क्या होगा, इस बॉल का एक निश्चित क्या होता है? दबाव होता है। जैसे इस बॉल का सेट किया जाता है निश्चित दबाव पर, कैसे कि यह बॉल कितने पर खुलेगी, यह बॉल खुलेगी जी मान लेते हैं 4.5 bar दाब पर, कि 4.5 से दाब ऊपर होता है तो यह बॉल अपने जगह से उठ जाएगी, ऑयल वापस इंजन में इन होने लगेगा, तो यह वापस सर्कुलेशन ऐसा बढ़ जाएगा, तो हमारे इंजन में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं अपने ऑयल कूलर। कूलर हमने घर में देखे हैं, हवा लेने के लिए होते हैं। तो कूलर का काम क्या होता है जी? ठंडक देना। तो ऑयल कूलर का काम भी क्या होगा? ऑयल को ठंडा करना। तो हमारा ये इंजन है, इंजन में अंदर जो ऑयल भरा हुआ है इसको ठंडा करने के लिए ज्यादातर इसके बाहर की तरफ फिन्स बना दी जाती है। किसके? क्रैंक केस के बाहर की तरफ फिन्स बना देते हैं। फिर भी अगर बड़ी गाड़ियां लंबी हैवी रूट पर चलती है तो उनके लिए अलग से एक रेडिएटर बनाया जाता है। तो रेडिएटर में हमें पता है क्या भरा जाता है? पानी भरा जाता है। क्या? पानी भरा जाता है। तो यहां अगर हम इसमें ऑयल पास कर दें, इन नलियों से ऑयल पास करेंगे तो हवा के संपर्क में आने से ऑयल ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको ऑयल कूलर से ठंडा कर सकते हैं। आगे आता है क्रैंक केस वेंटिलेशन। वेंटिलेशन सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, वेंटिलेशन दो प्रकार का होता है, ओपन ब्रीथिंग और
और पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन, पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन। तो ओपन में मैंने बताया जो हमारा ये इंजन बना हुआ था, इस इंजन के साइड से एक पाइप निकाल दी जाती है इस तरह से, इसे कहते हैं जी ब्रीदर पाइप। ये क्या हुआ गुरुजी? ब्रीदर पाइप। तो ब्रीदर पाइप से जो इंजन में गंदी गैसें बनी, नाइट्रोजन, नाइट्रो ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जो भी बनी, उन गैसों को वातावरण में निष्कासित कर दिया। परंतु ये क्या हुआ, वातावरण को प्रदूषित करने लगे। इससे बचने के लिए आजकल के नए सिस्टम में क्या किया, इस पाइप को यहां से उठा कर सीधा एयर क्लीनर से जोड़ दिया गया। कहां से? एयर क्लीनर से जोड़ दिया गया, ताकि ये हवा वापस इंजन में जाकर के जल जाए, जिससे वापस ये किसमें परिवर्तित हो जाए, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में, जिससे वातावरण को दूषित नहीं करे। तो ये दो प्रकार के हो गए वेंटिलेशन सिस्टम। उसके बाद में हमारे पास आता है ऑयल फिल्टर सिस्टम। ऑयल फिल्टर हमने लगाए, ऑयल फिल्टर लगाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बाईपास, एक होता है फुल फ्लो। अब बाईपास में क्या होता है, जैसे मैंने यहां एक लगाया ऑयल फिल्टर, क्या लगाया जी, यहां लगाया मैंने एक ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर को सप्लाई दी मैंने, यहां से सीधा डायग्राम बनूंगा, यहां मेरा लगा हुआ है ऑयल पंप और ये मेरा है ऑयल पेन। यहां से एक पाइप, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, गलत हो गया, यहां से मैंने एक पाइप उठाई और यहां से इसको अटैच कर दिया इसके साथ, इसमें ऑयल फिल्टर में। ऑयल फिल्टर से एक पाइप निकली जो मेरे इंजन के ऊपरी भागों का लुब्रिकेशन करते हुए वापस नीचे की ओर आ गई, और एक ये पाइप थी जो डायरेक्ट इसी पाइप में यहां आकर मिल जाएगी और वापस सम्प में पड़ जाएगी। मतलब कि ऑयल पंप ने ऑयल को उठाया, फिल्टर में गया कुछ भाग, फिल्टर से छनता हुआ तेल यहां चला गया, और सीधा भाग ज्यादा हुआ वो सीधा वापस यहां आता रहा। ये तो था बाईपास। फुल फ्लो में क्या होता है, ये मेरे ऊपर वाले भाग आ गए, ये मेरा फिल्टर आ गया, ये लो जी यहां फिल्टर में मैंने जो ऑयल दिया था पंप के द्वारा वो ऑयल आ गया, ये मेरा आ गया चैम्बर, यहां से सीधा आ गया इसमें ऑयल। इसमें और इसमें कुछ अंतर है, किताब में देखना बढ़िया डायग्राम बने। यहां से ऑयल फिल्टर में उठाया, फिल्टर में आया, फिल्टर से छण करके सभी भागों का लुब्रिकेशन करता हुआ ऑयल वापस सम्प में आता है। दोनों में अंतर एक है, क्या अंतर है वो, कि अगर इस विधि में किसी कारण ऑयल पंप चौक हो जाता है या बंद हो जाता है, क्लॉग हो जाता है, तो ये क्या करेगा, आगे को भागों का लुब्रिकेशन नहीं करेगा। पर यहां देखें, यहां देखें तो यहां से ऑयल यहां गया ऑयल फिल्टर में, ऑयल फिल्टर मान लेते मेरा हो गया बंद, कोई बात नहीं जी बंद हो गया, यहां से यह अन्य भागों का लुब्रिकेशन करता हुआ वापस आ रहा है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, कि बाईपास से हम, हमारा ऑयल फिल्टर किसी कारणवश बंद भी हो जाता है तो हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम है वो कार्य प्रणाली काम करती रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, आपने मेरी क्लास को पूरा देखा, कल हम लेकर के आएंगे इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे वाली परीक्षा में आए हुए हैं, आपको फेल नहीं होने दूंगा। एक एक कंपटीशन के लिए, चाहे आपका वहां लोको की है, चाहे रोडवेज की तैयारी है, चाहे वो फार्म में है, जहां भी डीजल मैकेनिक की सीट आती है वहां आपके थ्योरी बहुत कारगर होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।